Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. So guys, Netflix पर movies और shows तो बहुत देखे होंगे, celebrities के interviews भी बहुत ज़्यादा ही सुने होंगे, and oh my God, करण जौहर, how can we not talk about that guy and his vocabulary, his grammar, I mean the way he speaks, जब वो screen पे आता है, एक बार को तो मुझे pause करना पड़ता है because at times he uses so many words with different meanings at the same time. बट इजंट इट टू गुड राइट? तो क्या गाइज, आप जानते हो आप भी अपने इंग्लिश स्किल्स इतनी ही अच्छी बना सकते हो बाय सिंपली वॉचिंग आज का हमारा ये वीडियो. आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस बताएंगे जो हमें इन फ्लिक्स को देखने से सीखने मिलता है. हम रोज के टाइम में कितनी सारी मूवीज देखते हैं, कितने सारे शोज देखते हैं, हमारे जो इंस्पिरेशनल पीपल हैं उनके वीडियोज देखते हैं, हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है. बट कभी कभी हम क्या करते हैं कि ओवरलैप कर देते हैं या फिर ओवर सी कर देते हैं इफ देर इज सम वर्ड जिसका मतलब हमें नहीं पता होता उस टाइम के लिए. अगर हम छोड़ देते हैं तो इट्स लाइक गॉन फॉर एवर. और अभी तभी की तभी हम गूगल कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ओके, इसका मतलब ये होता है. सो गाइज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स बिगिन आर वीडियो. और अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्त लोगों को भी शेयर करना. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. तो गाइस, पहला जो हमारा आज का वर्ड है दैट इज पैलेटेबल. पैलेटेबल का मतलब होता है, मतलब किसी फूड के बारे में या किसी ड्रिंक के बारे में आप बताना चाह रहे हैं वेदर और नॉट दैट इज प्लीजेंट टू टेस्ट. अगर उसका टेस्ट अच्छा है देन यू आर गोइंग टू से दैट इट्स पैलेटेबल. सिनोनिम्स की बात करी जाए तो सिनोनिम्स हो गए टेस्टी, डिलिशियस. एंटोनिम्स की बात करी जाए तो टेस्टलेस या फिर अनप्लेजेंट. एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको बताती हूँ. द मील वॉज बेयरली पैलेटेबल. सो इफ यू आर सेइंग कि जो मील थी जो आपने ली इट वॉजन गुड, सो यू आर सेइंग द मील वॉज बेयरली पैलेटेबल. ओके, नेक्स्ट वर्ड है इज बस बजर्क. सो इट्स BERSERK, इट्स बजर्क. इसका मतलब होता है आउट ऑफ कंट्रोल विद एंगर और एक्साइटमेंट. सिनोनिम्स की बात करी जाए तो मैड, क्रेजी या इनसेन. एंटोनिम्स की बात करें तो काम, नॉर्मल या फिर सेन. एग्जाम्पल, द क्राउड वेंट बर्जर्क व्हेन ही हिट्स द रिकॉर्ड. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है नूब. इट्स अ वेरी न्यू वर्ड बट काफी ज्यादा यूज में आ रहा है इन दिनों. सो इसका मतलब होता है अ पर्सन हु हैज रिसेंटली स्टार्टेड अ पर्टिकुलर एक्टिविटी एंड हु डज नॉट नो मच अबाउट इट. सो यू नो व्हेन यू स्टार्ट समथिंग न्यू, जब आप कोई नई चीज शुरू करते हैं तो समवेयर और देयर आप उस फील्ड में न्यू भी ही होते हैं, मतलब नए होते हैं, एमेच्योर होते हैं, आप एक बिगिनर होते हैं. तो आजकल एक वर्ड यूज करा जा रहा है जिसको हम बोलते हैं न्यू. सो सिनोनिम्स में न्यू बी, एमेच्योर, बिगिनर. एंटोनिम्स में यू आर अ प्रोफेशनल, सो प्रो, प्रोफेशनल या फिर स्किल्ड जो है ये इसके एंटोनिम्स हैं. एग्जाम्पल की बात करें सो यू कैन इजिली प्ले दिस गेम इवन इफ यू आर अ नूब. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज कैमोफ्लैज. गाइस, कैमोफ्लैज जो है ये मोस्टली जो यूज होता है ये ऐसे एनिमल्स या स्पीशीज के लिए यूज होता है जो कि काफी इजिली अपना टेक्सचर जो होता है उसको बदल लेते हैं या फिर अपनी जो पोजिशनिंग होती है उसको बदल लेते हैं या कलर चेंज कर लेते हैं, उनमें कैमोफ्लैज यूज होता है. इसका मतलब होता है ब्लेंडिंग इन विद द सराउंडिंग्स टू हाइड. सिनोनिम्स की बात करें सो डिस्गाइज, मास्क, हाइड या फिर कवर. एंटोनिम्स की बात करें सो अनकवर, अनमास्क या फिर टू शो. ओके, बेस्ट एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया ऑक्टोपस की, बिकॉज ऑक्टोपस जो होता है इट इज नोन टू बी द बेस्ट, इट इज नोन टू बी द मास्टर ऑफ कैमोफ्लैज. क्यों? क्योंकि वो अपना टेक्सचर एज वेल एज अपना कलर चेंज कर लेता है अपने सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग. ओके, नेक्स्ट वर्ड है स्मिदरीन, स्मिदरीन. सो ब्रेक इट इनटू टू वर्ड्स लाइक स्मिदरीन. इसका मतलब होता है टू ब्रेक समथिंग इनटू टाइनी पीसेस. सिनोनिम्स की बात करें तो पार्टिकल, जो कि छोटे छोटे पार्टिकल, जब कोई चीज ब्रेक हो जाती है तो इट लाइक बिकम्स डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स, तो उसे हम पार्टिकल बोलते हैं.
सो पार्टिकल, श्रेड या फिर स्क्रैप जो है इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स की बात करी जाए तो बेस, कोर। एग्जाम्पल, आफ्टर द कार एक्सीडेंट द विंड वॉज स्मैश्ड टू स्मिदरिंग्स। सो यहां पर स्मिदरिन इज द वर्ड। ओके, नेक्स्ट वर्ड गाइज जो है वो आजकल बहुत पॉपुलर है, इट इज वेरी मच इन ट्रेंड और काफी इसको रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में या फिर प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में भी यूज करा जाता है। सो द वर्ड इज घोस्टिंग। गाइज, घोस्टिंग का मतलब क्या होता है? इट्स अ कंटेम्प्ररी वर्ड विच इज यूजुअली यूज्ड इन डेटिंग, फ्रेंडशिप एंड प्रोफेशनल कॉन्टेक्ट्स, जिसका मतलब ये होता है टू वैनिश सडनली विदाउट अ ट्रेस। मतलब अगर आप किसी की लाइफ से एकदम से गायब हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल दैट पर्सन इज टेक्सटिंग यू या कॉलिंग यू एंड इफ यू आर नॉट आंसरिंग, तो उसका मतलब है यू आर घोस्टिंग दैट पर्सन। सिनोनिम्स की बात करी जाए तो हॉन्ट, शेडिंग। एंटोनिम्स की बात करी जाए तो डिसलाइक, कोल्ड हार्टेडनेस। एग्जाम्पल, इट कैन बी लाइक स्टॉप टॉकिंग, स्टॉप रिस्पॉन्डिंग, तो इन दैट केस यू आर घोस्टिंग द अदर पर्सन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कलेक्टिव नाउन्स। गाइज, कलेक्टिव नाउन्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि ये हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, इंग्लिश सेक्शन में इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है। सो गाइज, कलेक्टिव नाउन बेसिकली क्या होता है, सिंपल टर्म्स में मैं आपको बताती हूँ, अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स या थिंग्स जो होता है और उसको हम फिर एक पर्टिकुलर नाम से बुलाते हैं, जस्ट इन केस हमें काउंट ना करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, एट टाइम्स बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाता है टू यू नो काउंट सर्टेन थिंग्स, तो उस ग्रुप को क्या कहा जाता है, हम उसको उससे डिफाइन कर देते हैं। सो दैट इज नोन एज अ कलेक्टिव नाउन। सो डेफिनेशन देख लेते हैं। अ कलेक्टिव नाउन इज अ नेमिंग वर्ड विच इज यूज्ड टू रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, नंबर ऑफ एनिमल्स, पीपल और थिंग्स। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, स्पाइडर्स, जब बहुत सारी स्पाइडर्स एक जगह इकट्ठी होती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, वी यूज अ वर्ड क्लटर। सो अ क्लटर ऑफ स्पाइडर्स, अ ग्रुप ऑफ स्पाइडर्स इज कॉल्ड अ क्लटर ऑफ स्पाइडर्स। नेक्स्ट आता है अ डैश ऑफ पपीज, सो अ लिटर ऑफ पपीज। जब बहुत सारे पपीज एक साथ आपको देखने में मिलते हैं, देन यू नीड नॉट टू काउंट देम, यू जस्ट से अ लिटर ऑफ पपीज। ओके, नेक्स्ट इज अ कॉलोनी ऑफ रैट्स। चूहों के लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉलोनी, अ कॉलोनी ऑफ रैट्स। नेक्स्ट आता है अ डैश ऑफ स्नेक्स, स्नेक्स के लिए वर्ड यूज किया जाता है डेन, अ डेन ऑफ स्नेक्स। नेक्स्ट इज अ फ्लाइट ऑफ बटरफ्लाइज, व्हेन यू सी अ लॉट ऑफ बटरफ्लाइज टुगेदर देन यू आर गोइंग टू से कलेक्टिवली अ फ्लाइट ऑफ बटरफ्लाई। नेक्स्ट, अगर आपको एक बंच, आप बंच भी कह सकते हैं, व्हेन यू आर गिवन अ बंच ऑफ बनानास, तो आप उसको किस तरह से बोलेंगे, सो आइदर इट्स अ बंच ऑफ बनानास और अ हैंड ऑफ बनानास। ओके, नेक्स्ट, व्हेन अ लॉट ऑफ कीज पुट इन टुगेदर, तो उसको हम किस तरह से बोलते हैं, अ बंच ऑफ कीज। ओके, सो सम मोर एग्जाम्पल यहां पर हम देख लेते हैं। When we talk about a lot of lizards together, तो उसके लिए हम क्या use करते हैं, a lounge of lizards. Flamingos के लिए a stand of flamingos. Fish के लिए a school of fish. Birds के लिए a flock of birds. Lions के लिए we say a pride of lions. So when two or more than two lions are together, two तो it's simply you can count it like 2, 3, 4, 5, 6. But when many lions are together, then how you are going to say a pride of lion, like the group. When we have to refer to the group of something, then we use such words. Okay, next, now we are going to learn some of the English words from the movies, जो कि हमें काफी interesting लगती है, तो movies I am assuming. मैंने तीन example लिए हैं, Harry Potter, Kung Fu Panda और Twilight, जिनके आज हम इस video में बात करने वाले हैं. जो हमने इन मूवीज में वर्ड्स देखे हैं वो, तो अगर आपने ये तीनों मूवीज देख रखी हैं तो आई एम अज्यूमिंग आपको उन वर्ड्स का मतलब पता होगा, एंड इफ नॉट देन वी आर हेयर टू प्रोवाइड यू विद द आंसर्स। ओके, सो टू बिगिन विद हम कुंग फू पांडा से स्टार्ट करते हैं। इस मूवी में एक वर्ड यूज किया था सोर, सो इसका मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ द मसल्स बिहाइंड, ओ सॉरी, बीइंग वेरी टायर्ड।
इसको आप फिजिकल पेन या डिस्कम्फर्ट के लिए रेफर कर सकते हैं. सिनोनिम्स की बात करें सो इट्स पेनफुल या हर्टफुल. एंटोनिम्स की बात करें सो इट्स पेनलेस कंफर्टेबल. एग्जाम्पल, शी हैड अ सोर थ्रोट आफ्टर कैचिंग द कोल्ड. तो जब उसको ठंड लग गई तो उसको गले में थोड़ा सा सोर थ्रोट, जैसे कि हम जानते हैं जब हमारा गला बैठ जाता है तो हमें हल्का सा सोर थ्रोट फील होता है. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ सोर. ओके, नेक्स्ट इज आउट नंबर. गाइज, आउट नंबर, आउट शाइन, सम दीज आर सम ऑफ द वर्ड्स जो कि हम यूज करते हैं कब, जब हम बताना चाह रहे हैं यू नो आउट नंबर टू बी मोर देन इन नंबर. सिनोनिम्स की बात करें तो एक्सीड या फिर सरपास. एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स मतलब आपने सरपास नहीं किया है तो ऑब्वियसली यू आर लैगिंग बिहाइंड समवेयर. सो बी बिहाइंड और लैग बिहाइंड. एग्जाम्पल, द ऑपोजिट टीम आउट नंबर्ड ऑन द फील्ड मेकिंग इट चैलेंजिंग टू स्कोर गोल्स. जो अपोजिट टीम है उसने एक्स्ट्रा जो स्कोर गेन कर लिए हैं तो इट वॉज बिकमिंग द चैलेंजिंग फॉर द अदर टीम. ओके, नेक्स्ट अब हम यहाँ पर आपको वर्ड्स बताने वाले हैं जो दूसरी मूवी से है. सो रूडिमेंट्री जो कि हैरी पॉटर मूवी से है. सो गाइस, रूडिमेंट्री जो होता है इट इज समथिंग विच इज एसोसिएटेड द इनिशियल फेज ऑफ लर्निंग. सो व्हेन यू आर इन द इनिशियल फेज ऑफ लर्निंग ऑफ समथिंग देन यू आर बीइंग कॉल्ड रूडिमेंट्री. ओके, नेक्स्ट इज लेविटेशन. सो लेविटेशन पीपल एक्चुअली मोस्ट ऑफ द people call it levitation also, but I don't know why it should be levi. So levitation, which is an action of rising or floating in the air without any support. So that is levitation. Harry Potter movie jisne dekhi hai pata hoga ki wo hawaon mein idhar udhar udne lagte the. So there is a term which is used for that, jisko hum levitation bolte hain. Okay, next is enunciate. So enunciate ka matlab hota hai to clearly pronounce something. When you are pronouncing something and you are very much clear with it, then you are enunciating it. Okay, next is codswallop. Codswallop is a word. It's a very fancy, I would say. It's a very fancy word which is used when you have to say something like for something very nonsense. If you are referring something which is not likable or something, then you are going to say codswallop. Okay, next we have hoop. So hoop is a large ring of wood, metal or similar material. And for that particular thing, you are going to use a word which is hoop. Okay guys, so now we are going to talk about some of the very famous and fancy words which are used by the celebrities. अब इसमें कैटरीना हो या आलिया, रश्मिका हो या करीना या प्रियंका चोपड़ा. गाइस, प्रियंका चोपड़ा की इंग्लिश इट इज रियली गुड. सो अगर आप थोड़े बिगिनर लेवल पे हैं देन यू कैन वॉच हर इंटरव्यूज बिकॉज द वे शी स्पीक्स, द वे शी यूज वोकैब एंड हर ग्रामर, इट्स रियली अमेजिंग. सो वेरी रिकमेंडेड. ओके, सो द वेरी फर्स्ट वर्ड दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज voluptuous, which is used by Katrina Kaif in one of her interview. So guys, voluptuous ka matlab hota hai curvaceous and physically attractive. Aur isko basically women body ke liye use kara jata hai, jinki body bahut zyada curvaceous hoti hai. So there is a particular term which is given to those curvaceous body women. It is voluptuous. Okay, next is vulnerable, which is used by Alia Bhatt in one of her interview. So it means weak and easy to hurt physically or emotionally. So someone jisko hurt karna bahut zyada aasan hota hai ya emotionally breakdown bahut zyada easily ho jata hai to use hum bolte hain that particular person is in the state of being vulnerable. Okay, next we have tenacious. So tenacious ka matlab hota hai when you are very determined of something, that you are not going to give up or let something go, then you are going to use tenacious. Okay, next is the word go to any length, which is the phrase which was used by Rashmika Mandanna in one of her interview for Animal movie. So usme jab wo promote kar rahe the Animal movie to unhone ek
स्टेटमेंट बोला था यूजिंग दिस पर्टिकुलर फ्रेज दैट गो टू एनी लेंथ, वेयर शी वाज टॉकिंग अबाउट रणबीर कपूर, दैट इन द मूवी रणबीर कपूर कुछ इस तरह के कैरेक्टर को पोर्ट्रे कर रहे हैं, हु इज गोइंग टू गो टू एनी लेंथ फॉर हिज फादर. सो इसका मतलब क्या होता है? सो गाइज, इसका मतलब होता है दैट यू आर गोइंग टू मेक अ ग्रेट और एक्सट्रीम एफर्ट टू डू समथिंग, नो मैटर हाउ हार्ड और डिफिकल्ट इट माइट बी, आप उसको करेंगे. इसका एग्जाम्पल, आई विल गो टू एनी लेंथ टू मेक माई ड्रीम कम ट्रू. सो मतलब आप किसी भी एक्सट्रीम लेवल तक जा सकते हैं इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग दैट यू वॉन्ट टू. ओके, नेक्स्ट इज पुश ओवर. अगेन अ वेरी गुड वर्ड, विच इज गाइज बेसिकली पुश ओवर इज नॉट समथिंग, बहुत से लोग इसको गलत समझ लेते हैं, दे आर लाइक धक्का लगाना और समथिंग लाइक दैट, बट इसका मतलब वो नहीं है. पुश ओवर का यहाँ पर मतलब है एक ऐसा पर्सन जिसको बहुत आसानी से कंट्रोल कर लिया जाए या पागल बना दिया जाए या उसको इन्फ्लुएंस कर दिया जाए, उसका मतलब होता है पुश ओवर हियर. सो इफ यू आर सेइंग दैट आई एम नॉट अ पुश ओवर, दैट मीन्स यू आर सेइंग आई एम नॉट अ पर्सन जिसको आप इजीली कंट्रोल कर सको या फूल बना सको या इन्फ्लुएंस कर सको. Okay, next word that we are going to tell you is pompous. So guys, pompous ka matlab hota hai too serious and full of importance. Example, he is a pompous old prig who's totally incapable of taking a joke. Yahan par prig ka matlab kya hai? So guys, prig is a self-righteously moralistic person jo is tarah se behave karte hain that they are superior to others. For example, she was religious but not a prig. ओके, नेक्स्ट इज अ टर्म जो कि मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छा लगता है और आजकल बहुत ट्रेंड में भी है एंड पीपल आर यूजिंग इट वेरी मच. सो इट्स वैबी सैबी. सो इसका मतलब क्या होता है गाइज? इट्स अ जापानीज टर्म. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, फॉर एग्जाम्पल जस्ट लाइक दैट, अगर आपको याद हो, अगर आपने लायन किंग देखी है, देन देर वॉज अ टर्म विच गॉट फेमस, हकूना मटाटा, जिसका मतलब होता है एवरीथिंग गोना बी ऑल राइट, समथिंग लाइक दैट. तो इसी तरह से वाबी साबी है. So, wabi sabi का मतलब होता है a way of living that focuses on finding beauty within the imperfections of life and accepting peacefully the natural cycle of growth and decay. So, it has a very deep meaning. So, उसको समझने के लिए आपको ये एक बार और पढ़ना पड़ेगा. But once you are into it, अगर आपको वो समझ जाता है, तो you will definitely love this particular terminology and definitely going to use that in your life because it has a great meaning in it. Okay, next we are going to talk about its bed of roses. Guys, agar aapne Ambani's ki abhi jo recently shaadi hui thi, agar wo dekha hai aapne, to usme aapne dekha hoga jab Radhika Merchant aur Anant Ambani apna अपना स्पीच दे रहे थे, when they were giving that particular speech for their parents, अपने parents के लिए, अपनी family के लिए वो काफी बोल रहे थे, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर अनंत अंबानी ने एक चीज बोली थी, अगर आपने देखा हो तो, कि मेरा लाइफ जो है, इवन आफ्टर, जब मैं इतने बड़े एंटरप्रेन्योर का बेटा हूँ, उसके बाद भी माई लाइफ वॉज नॉट ऑल अबाउट बेड ऑफ रोजेस. सो गाइज, इसका मतलब इट्स वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट येस फॉर दोस्त जिनको नहीं पता. So guys, bed of roses का basically मतलब होता है, it is that situation या circumstance which is very easy going, very comfortable, very pleasant. उसमें कोई इतना ज़्यादा कुछ problems नहीं है, difficulties नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. तो सबको लगता था कि अनंत अंबानी की life भी ऐसी होगी, but no, he had his own problems to deal with. तो synonyms की बात करी जाए तो easy, comfortable, luxury, pleasant. Antonyms की बात करी जाए तो tough, difficult, problem, distress. So example की हम बात करते हैं weight loss. So guys, weight loss is a challenging task, not a bed of roses. So I hope आपको समझ में आ गया होगा that what is the meaning of bed of roses. Okay, next word we are going to talk about is cocky. So guys, cocky का मतलब होता है very confident in a way which is slightly annoying. I mean एक ऐसा बंदा या बंदी whosoever who is very much confident in him or her, लेकिन वो थोड़ा सा annoying हो जाता है. एक reason can be anything.
सिनोनिम की बात करी जाए तो एरोगेंट, वेन, चीकी. एंटोनिम्स की बात करी जाए तो सेल्फलेस, मॉडेस्ट, टिमिड. ओके, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. सो लेट्स नॉट गेट टू कॉकी, थिंग्स कुड गो रॉन्ग इवन नाउ. तो जब आप किसी पर्टिकुलर चीज के लिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, बट यू शुड नो दैट यू शुड नॉट बी यू नो गेटिंग वेरी मच कॉन्फिडेंट, क्योंकि कहते हैं ना कि पासा कभी भी पलट सकता है. सो समथिंग लाइक दैट. ओके, नेक्स्ट वर्ड वी आर गोइंग टू टेल यू इज इनकैप्सुलेट. गाइस, इनकैप्सुलेट का मतलब होता है जब कोई आपके बारे में या कुछ किसी तरह से एक्सप्रेस करता है काफी, आप जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कोई बायोग्राफी लिखता है या फिर आपके बारे में कोई मूवी बनाता है, तो जब वो आपके छोटे छोटे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का ध्यान रखते हुए उस मूवी में डालते हैं, देन यू कैन टेल कि हाँ उन्होंने इनकैप्सुलेट करा मेरे बारे में बहुत अच्छे से. यानी कि टू एक्सप्रेस और शो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट समथिंग वेरी क्लियरली, सो दैट इज इनकैप्सुलेटिंग. सिनोनिम्स की बात करी जाए तो टू सम अप या समराइज. एंटोनिम्स की बात करी जाए तो कॉम्प्लेक्स या डिटेल्ड, नॉट इन अ शॉर्ट मैनर, इट्स वेरी डिटेल्ड. ओके, सो एग्जांपल इज गिवन हियर, दिस इंटरव्यू रियली इनकैप्सुलेटेड फीलिंग्स दैट मोस्ट ऑफ आवर पेशेंट्स हैव गॉन थ्रू टुवर्ड्स द न्यू ट्रीटमेंट. ओके, नेक्स्ट इज अगेन अ वेरी फैंसी वर्ड यूज्ड दीज डेज, ब्रेड क्रम्बिंग. सो गाइस, ब्रेड क्रम्बिंग क्या होता है, और ये आजकल जो लिव इन वाले लोग हैं उनको भी काफी देखने मिलता है, इवन लाइक दे आर लिविंग विद इट. तो गाइस, ब्रेड क्रम्बिंग का मतलब क्या होता है, व्हेन समवन गिव्स यू इनफ अटेंशन टू कीप यू इंटरेस्टेड बट दे आर नॉट सीरियस अबाउट बिल्डिंग अ मीनिंगफुल रिलेशनशिप. इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल यू आर इन अ लिव इन रिलेशनशिप, यू गाइज आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ईच अदर और मे बी यू गाइज लव ईच अदर. So you are giving that enough attention to each other, but if you guys are not ready for the commitment, then you are breadcrumbing each other. Synonyms: sprinkling, teasing. Okay, next is naysayers, and I definitely love this particular word. When Priyanka Chopra used this in one of her interviews, that let the naysayers say what they want to do. So guys, naysayers are those people who criticizes objects or opposes someone or something. Matlab aise log jo ki even if you do anything, like even if you're doing good, you're doing bad, kehte hai na ki aap acha karoge tab bhi you will be get judged, aap bura karoge tab bhi you will get judged. So simply just do your own work and let the naysayers judge you. So naysayers का मतलब होता है द काइंड ऑफ पीपल हु क्रिटिसाइजेस यू फॉर समथिंग, समवन और फॉर एवरीथिंग. ओके, एग्जांपल, शी इग्नोर्ड द नेसेयर्स एंड केप्ट वर्किंग हार्ड. सो लेट पीपल से व्हाट दे वांट टू डू, जस्ट कीप ऑन डूइंग व्हाट यू विश टू डू. ओके, नेक्स्ट इज सिट और रेस्ट ऑन द लॉरल्स. गाइस, इसका मतलब क्या होता है, when you're saying that I'm not sitting on the laurels, yeah, I'm not resting on the laurels, iska matlab kya hota hai, to be satisfied with one's past achievements and stop making efforts to succeed or improve further. So for example, if you are like past mein aapko bahut zyada success mila hua hai, jisse aapka aaj ka kaam bhi chal raha hai, your earning is going on, but you're not doing anything to make it better. आप कोई ऐसा एफर्ट नहीं डाल रहे हो कि आपके कल के अचीवमेंट के अलावा आपका कोई और अच्छा अचीवमेंट बने, देन यू यूज दिस पर्टिकुलर फ्रेज सिट और रेस्ट ऑन द लॉरल्स. ओके, नेक्स्ट इज स्नूज फेस्ट. गाइज, अगेन अ वेरी फैंसी एंड लवली वर्ड, और इसको कॉफी विद करण का जब आई रिमेम्बर बिकॉज आई हैव सीन दैट पर्टिकुलर शो, जब कॉफी विद करण का सीजन फिनाले कुछ हुआ था एंड सम ऑफ द गेस्ट वर इन्वाइटेड टू जज इट और समथिंग लाइक दैट, उसमें देर वॉज वन पर्सन, आई डोंट नो द नेम, बट देर वॉज वन पर्सन हु यूज्ड दिस टर्म. तो इसका मतलब होता है डल, बोरिंग या अनइंटरेस्टिंग. सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ लाइवली पार्टी बट इट वॉज सच अ स्नूज फेस्ट. So this is really a good word. I would love to use it.
Okay, next is omnipresent. Omnipresent is the word which was recently used by Ori, who is in limelight for multiple reasons. Even today, people don't know why. So guys, omnipresent is something that you have the ability of being present everywhere at the same time. So किसी ना किसी तरह से अगर आपकी बात 10 जगह हो रही है, which means you are available there 10 जगह, तो you are being omnipresent. Example, traffic noise. So guys, traffic noise जो होती है, that is so omnipresent because at the similar time it is like यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और multiple area में उसका आवाज जाता है. So it is omnipresent. Okay, next is cathartic moment. Again, a very fancy and beautiful term, I would say. And again, I saw this episode of Coffee with Karan when Karan Johar used this particular phrase, term, I would say, to Janhvi Kapoor and Khushi Kapoor, that he had a cathartic moment. So cathartic moment ka basically matlab kya hota hai? It is a very strong emotional cleansing. Matlab, for example, आप ऑफिस में जाते हैं एंड यू हैव अ टफ डे एट वर्क एंड यू कम बैक होम एंड यू जस्ट क्राई हार्ड. सो जो क्राई हार्ड वाला पर्टिकुलर प्रोसेस है, जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं रोने का, यू आर क्लेंजिंग, यू आर इमोशनली क्लेंजिंग योर बॉडी, योर माइंड, योर सोल. सो दैट पर्टिकुलर क्लेंजिंग मोमेंट इज द कथार्टिक मोमेंट फॉर यू. सो एग्जाम्पल, एज आई जस्ट टोल्ड यू, he crying after a tough day at work is a cathartic moment. So guys, that's it for today. Those were the very important words, phrases and verbs, nouns, etc. jo ki hum lekar aaye the aapke liye alag alag movies se, shows se, series se. I hope aapko acha laga. Agar aap chahte hain ki hum is tarah ke videos aur lekar aaye, then do not forget to comment in the comment section. And yes, do not forget to like, share and subscribe to our channel, because we do come up with such informative videos on our channel almost daily. और अगर आपको videos हमारे पसंद आते हैं तो please हमें बताएं, और अपने यारों, दोस्तों और परिवारजनों से please share करना ना भूलें, और उनसे भी appreciate करवाएं, so that we do get motivated to work harder and bring new videos for you guys. So आज के लिए बस इतना ही. Thank you so much for watching. Enjoy करना पूरा वीडियो, अच्छे से सारे वर्ड्स याद करना, because they are of use in your personal life also, in your professional life also, and even if you are preparing for any competitive exam, तो ये वर्ड्स आपको definitely help करेंगे. So yes, thank you so much for your time, and we will see you in our next video.